Swayam Prabha, Digital India, Educated India.

स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय विधि संकाय आपके समक्ष साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम का लेक्चर नंबर पाँच लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज हम आपसे बात करेंगे ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान उसके बारे में हम समझेंगे तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान को समझना जो आपके समक्ष विषय वस्तु हम लेकर आए हैं उसमें हम पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं ये जो प्लास्टिक मनी है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ये कैसे प्रचलन में आया और कैसे इंटरनेट की प्रिय ट्रांजैक्शन का माध्यम बन गया इंटरनेट पर उपयोग में लाने के लिए इनको किस तरह से हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम पहले और दूसरे लेक्चर में थोड़ी इसकी बात कर चुके हैं बट हम दूसरे आगे बात करेंगे आजकल कर हम लोग सब पे और मोबी क्विक और इस तरह के वॉलेट्स का प्रयोग करते हैं तो इनके जो एक प्रारंभिक एक वॉलेट था उसका नाम है साइबर कैश तो हम थोड़ा सा साइबर कैश की बात करेंगे कि साइबर कैश का उदाहरण लेते हुए हम मॉडर्न डे वॉलेट्स किस तरह से काम करते हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे आ, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन यानी कि सेट एक प्रोटोकॉल है एक प्रणाली है प्रणाली तो नहीं कहना चाहिए एक तरीका है आ, वो उसके बारे में हम बात करेंगे कि सेट के कैसे सेट के आने से सेट का कैसे आविष्कार हुआ कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे जो है सेट से जो 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 क्रेडिट जो, जो, कार्ड और डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन हैं वो ज्यादा सेफ कैसे हो गए हैं आपने पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हमने बात की कुछ उसी तरह का इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है ये आ फिर आ ये जो सेट की क्या कार्य क्षमता या फंक्शनैलिटीज हैं वो थोड़ा डिस्कस करेंगे कुछ नए किस्म के जो नवाचार हैं जो इन्वेंशन हैं उनके बारे में बात करेंगे कि एक उदाहरण के लिए मैंने और पे सिस्टम लिया है जो पिछले कुछ वर्षों में आया है विगत दशक में ही आया है अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ था एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जैसा समझ लीजिए आगे थोड़ी सी बात करेंगे भारतीय बाजार में जो है बहुत सारी भारतीय कंपनियां पेमेंट गेटवे लेकर आ रही हैं एसबीआई का गेटवे है रेजर पे है आ, आई बैंक है तो इस तरह के जो गेटवेज़ हैं इनकी थोड़ी सी बात कर लेंगे इंटरनेट पे जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए जो कानूनी व्यवस्था है यानी कि जो लीगल रेजीम है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे और अंत में कुछ हम बातें करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ हाइब्रिड कंसेप्ट इंडिया में आ गए हैं जो लोग लेकर आए हैं विजय सेल्स जैसी कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचती है फ्रिज वॉशिंग मशीन इत्यादि एस कुमार्स का नाम सुना होगा जो ब्लेजर बनाते हैं शर्ट बनाते हैं इन्होंने कुछ हाइब्रिड टच एंड फील स्टोर्स बनाए हैं फर्नीचर की कंपनियों ने इस तरह के बनाए हैं भारतीय उपभोक्ताओं को थोड़ी सी अभी भी कहीं ना कहीं संकोच है क्रेडिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड डिटेल्स इंटरनेट पर शेयर करने के लिए और अच्छा भी है शायद तो आ, जो जो टेयर टू और टेयर थ्री के शहर हैं जैसे मान लीजिए भोपाल कानपुर लुधियाना इन शहरों में इस तरह के स्टोर काफी लोकप्रिय हो गए हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्या ये मॉडल भारत के लिए अच्छा है ये इस तरह से बात करेंगे मित्रों सबसे पहले मैं एक उन्नीस सौ की एक बहुत प्रसिद्ध मूवी थी अंग्रेजी की जिसका नाम था द ग्रेजुएट उसका एक वाक्य आपके सामने लेकर आया हूं और उसमें कहा गया द फ्यूचर माई बॉय इज इन प्लास्टिक उन्होंने उन्नीस में यानी कि आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व ये कह दिया था कि भविष्य प्लास्टिक में है और भारतवर्ष में भी प्लास्टिक रेवोल्यूशन जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का रेवोल्यूशन जो है नब्बे के दशक से शुरू हुआ मित्रों मुझे लगता था मैं उन गिने चुने लोगों में से हैं जो वॉलेट नहीं रखते हैं मैं वॉलेट रखना बंद कर दिया है 2018 19 से कोविड के टाइम तो सभी ने बंद कर दिया क्योंकि बाहर जा ही नहीं रहे थे पर मैंने 18-19 में ही बंद कर दिया क्योंकि अब पेटीएम आ गया है आ, ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है मोबाइल परिवहन पे हो जाता है आपका जो है आधार कार्ड ऑनलाइन है आ, मैं अभी आईआईटी कानपुर आया उन्होंने कहा सर आईडी प्रूफ तो मैंने अपने मोबाइल से उनको अपना आधार कार्ड दिखा दिया भेज दिया उनको एक ईमेल से उसकी छाया प्रति फ़ोटो तो या स्कैंड इमेज तो अब वॉलेट रखने का कोई रीज़न नहीं होता और ऐसे मैंने देखा अब मैं अकेला नहीं ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कोई अभी हमारे विश्वविद्यालय में कुछ उन्होंने भुगतान करना था तो वो नगद में भुगतान कर रहे थे चालीस रुपये चेंज था जो जो पेमेंट करने वाले अधिकारी थे उन्होंने कहा आप चालीस रुपये मुझे दे दीजिए मैंने कहा साहब मेरे पास तो नहीं है चालीस रुपये में वॉलेट नहीं रखता कहता सर मैं भी नहीं रखता आप एक काम कीजिए मुझे पेटीएम कर दीजिए तो इस तरह से जो है ये प्लास्टिक मनी और ये वॉलेट्स वाला मनी बहुत प्रचलन में आ गया है ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हम कहते हैं एक रेवोल्यूशन एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है एक प्लास्टिक का टुकड़ा जिसपे एक चुंबकीय पट्टी लगी हुई है उसने दुनिया बदल दी है और ये इंटरनेट और क्रेडिट कार्ड की आगे आने वाले समय में हम देखेंगे अगले कुछ मिनटों में इनका जो है धीरे धीरे चोली दामन का साथ हो गया है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं मित्रों एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है हम समझ लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों में से कईयों ने तो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग भी किया होगा बट शायद कभी सोचा नहीं कि ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है और कईयों को शायद पता नहीं होगा कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है तो दोनों ही सूरतों में थोड़ा सा जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड भुगतान का एक ऐसा तरीका है जो कार्ड धारक है मैं एक कार्ड धारक हूं मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का आईसीआईसीआई बैंक का या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड इशू करने वाली कंपनी है यूनियन बैंक या स्टेट बैंक या अमेरिकन एक्सप्रेस उसका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट एक मसौदा एक अग्रीमेंट हुआ है और उस मसौदे के तहत उन्होंने मुझे ये आज़ादी स्वतंत्रता दी है कि आप पूरा भुगतान जो है मत कीजिए आप महीने के अंत में एक मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो पे कर दीजिए और जो बाक़ी आपने जो शॉपिंग की है वो उस पर आप इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज अदा करते रहिए मसलन मान लीजिए मैंने महीने में दिवाली आने वाली है या क्रिसमस आने वाला है मैंने एक लाख रुपए की शॉपिंग की तो वो बोलेंगे आप जो है तीन हजार रुपये अदा कर दीजिए और सन्तानवे हजार रुपये आप जब आपके पास पैसा आएगा धीरे धीरे आप अदा कर दीजिएगा जैसे ई की स्कीम होती है वैसे ही मान लीजिए उस पर इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज लगता है तो पूरी राशि से कम राशि जो पूरी बकाया राशि है उससे कम राशि का निर्वहन करने की अनुमति होती है कार्ड धारक को कार्ड होल्डर को एक और क्रांतिकारी बदलाव आ गया आ, पिछले दो दशकों में भारतवर्ष में आ, जो इंटरनेट के माध्यम से अब जो बैंक्स हैं वो आपस में लिंक हो गए हैं आ, बैंक की पहले तो शाखाएं लिंक हुई ब्रांचेस लिंक हुई जैसे एसबीआई अपनी शाखाओं को लिंक करने का सिस्टम को कोर बैंकिंग कहता है आ, और फिर जो है बैंक आ, आपस में लिंक हो गए मतलब एस यूनियन बैंक से लिंक हो गया यूनियन बैंक जो है हॉगकॉन्ग बैंक से लिंक हो गया तो सारे जो प्राइवेट बैंक हैं फॉरेन बैंक हैं सरकारी बैंक है वो सब एक बैंकिंग सिस्टम से लिंक हो गए इंटरनेट के माध्यम से तो अब क्या होता है मेरा खाता जो है आई बैंक में है बट मैं एस की शाखा में जाके ए मशीन में जाके अपना कार्ड स्वाइप करता हूँ और वो मुझे पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे मेरे आ, जो है आईसीआईसीआई से अकाउंट ही डेबिट हो रहे हैं तो ग्राहक जो है पैसे निकालने के लिए अपने डेबिट और एटीएम कार्ड का प्रयोग करते थे अपने ही बैंक में कर सकते थे तो अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है तो आप केवल आज से 30 साल पहले आईसीआईसीआई के एटीएम पे ही जा सकते थे अब लेकिन पिछले बीस सालों में ये इस तरह की अनिवार्यता समाप्त हो गई है आप किसी भी बैंक के कहीं के भी एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं तो इससे जो है लोगों का प्रचलन डेबिट कार्ड के प्रति और ज्यादा बढ़ गया ये जो लिंकेज आ गया इससे इंटरनेट पे प्लास्टिक मनी की तो और थोड़े से डिटेल में बात करते हैं तो इंटरनेट पे मैंने आपसे कहा चोली दामन का साथ है देखिए ऐसा है आ, मैं आप, एक सीधा प्रश्न पूछता हूं और आप अपने आप को जवाब देने का प्रयास कीजिए Uh, मान लीजिए आप कोई हाई वैल्यू परचेज़ करते हैं मान लीजिए आपने एक बड़ा टीवी खरीदा दिवाली आ रही है या आप फुटबॉल के शौकीन है फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है या अभी विगत दिनों में क्रिकेट का विश्व कप हुआ है भारत में तो अधिकांश लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं तो बड़े टीवी जो हैं 48 इंच के 42 इंच के 60 इंच के उनकी सेल बहुत बढ़ गई ऑब्वियसली मान लीजिए आपने एक नया टी या नया रिक्लाइनर सोफ़ा लिया एक लाख रुपये का टी और एक लाख रुपये का रिक्लाइनर आपके पास पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में पांच लाख रुपए पड़े हैं और आपने जो है एक एक लाख रुपए की दो चीजें ली आपके लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके एक लाख खर्च करना आसान है या एक चेकबुक पे चेक साइन करके एक लाख रुपए का चेक लिख के देना आसान है या तीसरी सूरत ये मेरा सिग्नेचर है इसका कृपया गलत उपयोग ना करें तो आगे हम हम सिग्नेचर के गलत उपयोग की बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर की तो तो फिजिकल सिग्नेचर है तो, आ, तीसरा नगद एक लाख रुपए खर्च करना तो मैं तीनों सूरत दोहरा देता हूं एक आपने कार्ड स्वाइप किया एक लाख रुपए खर्च हो गए दूसरी सूरत आपने चेक एक लाख रुपए का लिखा और तीसरी सूरत आपने हजार हजार रुपए के नोट या दो हजार रुपए के नोट या पांच सौ रुपए के नोट में एक लाख रुपए खर्च किए मित्रों रिसर्च ये कहती है कि पहली सूरत एक स्वाइप करने में एक लाख रुपए खर्च करना बहुत आसान आप इतना सोचेंगे नहीं दुकानदार आपको प्रोत्साहित करेगा ले लीजिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ले लीजिए या डेबिट कार्ड है तो ले लीजिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड में इतना ही फर्क है कि क्रेडिट कार्ड उधार है और डेबिट कार्ड आपके अपने पैसे आप चेक लिखने से पहले भी शायद इतना सोचेंगे नहीं बट कैश में एक लाख रुपए खर्च करते टाइम व्यक्ति हमेशा सोचता अरे बाप रे इतनी महंगी चीज क्या मैं ले रहा हूँ सही कर रहा हूं क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ ये मित्रों सर्वे किए गए हैं और इसलिए जो है ये जो ये देखिए यहाँ मैंने बताया भी कोई भी व्यापारी ग्राहक से प्लास्टिक मनी का प्रयोग करा के डिजिटल मनी का प्रयोग करा के पेटीएम का प्रयोग करा के यू का प्रयोग करा के हाई वैल्यू जो स्पेंड है वो करा सकता है मैंने एक लाख का उदाहरण इसलिए भी लिया क्योंकि यू में भारत में जो लिमिट है वो एक लाख रुपए की है ट्रांजेक्शन प्रत्येक ट्रांजेक्शन एक लाख से अधिक का नहीं हो सकता आ, बहुत आसान है बनस्बत इसके कि वो मुद्रा नोट करेंसी नोट का उपयोग करके इतने का ही सामान खरीद ले। इसकी संभावना बहुत कम होती है कि व्यक्ति जो है आ, एक लाख रुपए कैश में स्पेंड कर दे। अच्छा आपने देखा होगा कि पेट्रोल भराने जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं पे भी एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन असल में एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन है और इन्होंने जो है रियल टाइम भुगतान को बहुत आसान बना दिया है पूरा जो इंटरनेट का आर्किटेक्चर है ई-कॉमर्स e का आर्किटेक्चर है ये रियल टाइम पेमेंट पे आधारित है मित्रों रियल टाइम पेमेंट क्या होता है अह आप दुकान में जाते हैं फिजिकल दुकान है मान लीजिए आपको साड़ी खरीदनी है आप नल्ली के स्टोर में गए या आप मध्य प्रदेश के एम्पोरियम मृगनैनी में गए आ, तो आपने वहाँ पर आ, कुछ हैंडीक्राफ्ट खरीदना है तो क्या आप पहले सामान लेते हैं और फिर पैसे देते हैं या आप पहले पैसे देते हैं और फिर सामान लेते हैं मित्रों दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन आप सोच के देख लीजिए कि आपने पैसे और सामान दोनों की अदला बदली एक साथ की हो या तो आप पहले पैसे देंगे और बाद में सामान मिलेगा मतलब आपने दुकानदार पे भरोसा किया कि वो सामान पहुंचा देगा या दुकानदार ने आप पे भरोसा किया और बोला जी कोई बात नहीं ले जाओ पैसे कल दे देना या पैसे दस मिनट बाद दे देना या एटीएम तक चले जाओ जी दे देना दुकानदार ने आप पे भरोसा किया इस सूरत में और पहली सूरत में जब आपने पैसे अदा कर दिए आपने मान लीजिए एक आ, सोफा खरीदना है तो आपको डिजाइन बहुत अच्छा लगा आपने सैंपल पीस देख लिया और आपने सोफे के लिए बीस हजार रुपए जमा करा दिए और आपको जो है आ, आपने पैसे दे दिए उसने कहा जी सोफा आएगा तीन हफ्ते बाद तो आपने उस पर भरोसा किया दुकानदार आप समझ रहे हैं ये रियल टाइम नहीं हो रहा है ये जो, जो, जो रियल टाइम है वास्तविक समय नहीं हो रहा है बट इंटरनेट पे वास्तविक समय भुगतान होता है इस हाथ ले उस दे दे इंटरनेट पे ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है पेमेंट का ई कॉमर्स पर इस हाथ ले उस दे दे दोनों एक साथ आपने दिल्ली से लखनऊ तक की हवाई जहाज की टिकट खरीदी इधर आपने टिकट खरीदी आपके पास टिकट का फाइल आ गई आपने उसको प्रिंट कर लिया और उसी समय आपके यहाँ से पैसे चले गए आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि तीन हजार आपके बैंक अकाउंट से कट गए मित्रों सो so, उस हाथ ले इस दे दे वाला यहाँ पे प्रिंसिपल चलता है और इससे जो है इंटरनेट जो है प्लास्टिक मनी को बहुत बढ़िया हो जाता है आप समझिए अगर इंटरनेट पे प्लास्टिक मनी की सुविधा नहीं होती तो हर ट्रांजैक्शन कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ता और आप समझ रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट बढ़ जाती आपने अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट मंगाया और जो अमेजन का जो लड़का आपके पास सामान लेके आता है वो फिर पैसे लेके जाएगा पैसे गिनेगा और पैसे कभी गिर सकते हैं घूम सकते हैं चोरी हो सकते हैं आप समझ रहे हैं इस पर पूरे प्रोसेस में कॉस्ट कितनी बढ़ जाती अगर इसमें कैश की हैंडलिंग चार्जेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं So, क्योंकि कोई कैशलेस है तो ये पूरा प्रिंसिपल बहुत आसान हो जाता है इंटरनेट पे जो है प्लास्टिक मनी के उपयोग मित्रों मित्रों ये तो हमने कुछ बात कर ली कि इंटरनेट और ई कॉमर्स का पसंदीदा मुद्रा फेवरेट फेवर्ड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन प्लास्टिक मनी है ये आश्चर्य की बात नहीं है ये लगभग स्वाभाविक है ये तो होना ही था वाली बात है चेक या नकदी के विपरीत कोई भी कागज़ इधर से उधर भेजने की ज़रूरत नहीं है हमने कोविड में सब लोगों ने देख लिया कि हमारी कागज़ पर निर्भरता अनावश्यक थी अभी सब कुछ पीडीएफ से आ जाता है मुझे जो है आईआईटी कानपुर ने निमंत्रण भेजा उन्होंने कोई मुझे चिट्ठी लिख के नहीं भेजा उन्होंने मुझे इनविटेशन पीडीएफ करके ईमेल के माध्यम से भेज दिया सो so, uh, uh, मैंने उनको अपना uh, किस दिन मैं यात्रा कर रहा हूँ टिकट का जो है कोई मैंने चिट्ठी लिख के डाक द्वारा नहीं भेजा वो जो है मैंने उनको पीडीएफ सिंपली ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया सो so, वैसे ही uh, इंटरनेट पे जो ई e कॉमर्स हम कर रहे हैं कोई भी भौतिक कागज़ कोई भी चेक कोई भी इस तरह की चीज़ को यहाँ से वहाँ करने की जरूरत नहीं इससे कॉस्ट बहुत आसान हो जाती है मित्रों इंटरनेट पर व्यापार करना बहुत आसान है आप लोग देखते होंगे कि अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे, कोई भी ई e कॉमर्स की वेबसाइट पे मिंत्रा पे महिलाओं के लिए जो बाजार से अधिक सस्ता सामान मिल जाता है ऐसा क्यों है मित्रों क्या ये सामान घटिया क्वालिटी का है ऐसा तो नहीं है उसी ब्रांड का है मित्रों इसलिए क्योंकि जो फिजिकल स्टोर है वो मेंटेन करने का खर्चा नहीं है जो उसका रेंट देना है जो उसका बिजली का खर्चा है जो वहाँ पे आपने सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स रखे हुए हैं या आपको जो है पार्किंग का इंतज़ाम करना है ग्राहक आएंगे ये एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है क्योंकि अब उत्तर भारत में खासतौर में मौसम ऐसा हो गया धूल बहुत है गर्मी बहुत है तो एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है रेंटल्स आजकल शहरों में बहुत अधिक हो गए हैं सो तो ये सारी कॉस्ट ईकॉ कॉमर्स में नहीं है आपको बस एक वेयर हाउस मेंटेन करना है जो शहर से दूर भी हो सकता है सो so, इसलिए जो है ये सारी जो कॉस्ट की सेविंग है जो कस्टमर तक पहुंचती है तो ई e कॉमर्स अच्छी चीज है uh, uh, बस अपना आप जाइए डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर सिस्टम पे टाइप करिए आपको ओ आएगा वो ओ डाल दीजिए अब और जो है आपका ट्रांजैक्शन हो गया सो so, इसलिए जल्दी जल्दी हमने देखा कि डेबिट कार्ड के विपरीत क्रेडिट कार्ड ई कॉमर्स के और ज़्यादा आगे निकल गया सो डेबिट कार्ड को पछाड़ते हुए क्रेडिट कार्ड ने और ज़्यादा बड़ा स्थान ले लिया पहले ऐसा जो है विदेशी देशों में देखा गया पाश्चात्य देशों में देखा गया और जल्द ही अब हमने देखा भारतवर्ष में भी ऐसी सिचुएशन आ गई विगत तीन चार वर्षों में कोविड के दौरान भारी मात्रा में लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करना प्रारंभ कर दिया ई e कॉमर्स में भारतवर्ष में दवाई से लेके शराब तक सभी कुछ ई कॉमर्स पर देखी गई खरीदी गई इनफैक्ट आप लोगों में से कुछ को अगर स्मरण हो मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं पर इंटरनेट पे बेंगलोर के एक सज्जन थे जिन्होंने सवा लाख रुपए की शराब खरीदी क्रेडिट कार्ड से सो और सारा सामान जो है वो होम डिलीवरी हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से आ, अब क्योंकि इतने सारे फायदे हैं तो कुछ समस्या भी होगी चोर धोखाधड़ी करने वाले लोग आ, जो है वो हमेशा यहाँ आतुर रहते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने डेबिट कार्ड इशू करने वाले बैंक्स के मुकाबले कुछ अधिक सिक्योरिटी फ़ीचर्स लेके आए इसलिए क्रेडिट कार्ड ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे मोर सिक्योरिटी फीचर्स अधिक सुरक्षा प्रदान करनी शुरू कर दी क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने बनिस्पत जो बैंक डेबिट कार्ड इशू करते समय प्रोवाइड करते थे मित्रों सिड यानी कि कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में हमने लेक्चर नंबर एक और लेक्चर नंबर दो में थोड़ी सी चर्चा की है कार्ड uh, के साथ खरीदार को अपनी सुरक्षा और गोपनीयता की हमेशा चिंता रहती है और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सिड के आने से ये चिंता को कम करने में भारी मदद मिली है uh, अच्छी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो हमेशा अपना एड्रेस एच से होती हैं uh, हमने आपको पहले भी बताया था कि एच वाली जो साइट्स हैं वो सिक्योर नहीं है एस आ जाता है वेबसाइट एड्रेस के पहले जैसे मसलन एच टी टी पी एस एमेजोन की बात कर रहा हूं तो एमेजॉन डॉट इन तो एच टी टी पी एस हमेशा देख लीजिए अगर आप अपने बैंक की वेबसाइट पे भी जा रहे हैं एस बी आई की वेबसाइट तो ये देख लीजिए एच टी टी पी एस ऑनलाइन एस बी आई

इंक्रिप्शन का मतलब है कुछ इस तरह से भेजना कि दूसरा व्यक्ति अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए तो वो उसको जो है पढ़ नहीं सकता आ, मान लीजिए कोड में बात करना तो मान लीजिए कुछ ऐसी चिट्ठी भेजी है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अगर दूसरे वाले ने उसको खोलने का प्रयास भी किया तो उस पर कोड लॉक लगा हुआ है एप्पल का फ़ोन होता है वो उसमें एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी होती है व्हाट्सएप कहता है कि मेरी जो है टेक्नोलॉजी एनक्रिप्टेड है अगर किसी को आपका मिल भी गया बट वो उसको व्हाट्सएप पे क्या संदेश दिए हैं वो पढ़ नहीं पाएगा तो इसके बारे में हम थोड़ी सी अगली बार बात करेंगे बट ये जो प्रोटोकॉल बने हैं ये क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने बनाए हैं ये इंक्रिप्शन करके बनाए हैं ताकि जो है जब जब पेमेंट इन्फॉर्मेशन बैंक को या व्यापारी को कस्टमर के द्वारा भेजी जा रही है तब जो है वो हैक ना हो जाए रस्ते में देखिए कैसे होता है आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला वो जानकारी जो है जो जो व्यापारी है जो बिजनेस है जैसे कि अमेजॉन है उस तक पहुंचती है और फिर जो है अमेजॉन आपके बैंक तक भेज देता है तो रस्ते में आपसे लेके अमेजोन तक कस्टमर और अमेजोन और बैंक इन तक जो है वो इंफॉर्मेशन को ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट कर दे यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट कर दे तो अगर कर भी देगा तो क्योंकि इंक्रिप्टेड है वो उस डेटा को आपके कस्टमर डेटा को चुरा नहीं सकेगा जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट के माध्यम से अपना कार्ड नंबर सबमिट करता है तो वो इंक्रिप्टेड तरह से वो डेटा यात्रा करता है और यूज़र जो है कार्ड का ऑनलाइन उन्ला, इस्तेमाल करने में उसको ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है ये ये, ये इस तरह की अनूठी प्रकृति ये जो बनी है ये जो नेचर है इसका इस तरह के सिस्टम्स बनाए गए और फर्स्ट वर्चुअल एक कंपनी थी जिन्होंने काफी पहले इस तरह के प्रोटोकॉल डिजाइन किए फर्स्ट uh, वर्चुअल के बाद हम एक और क्योंकि uh, इंटरनेट का जन्म अमेरिका में हुआ इंटरनेट का पर्पस ओरिजिनली जो था पचास साठ के दशकों में uh, अमेरिकी नेवी अमेरिकी मिलिट्री आपस में संपर्क करने के लिए इन्होंने ये तरीका इजाद किया था उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेट पे किताबें खरीदी जाएंगी, दवाइयाँ बेची जाएंगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी तो आ, जैसे हमने फर्स्ट वर्चुअल की बात कर ली वैसे ही एक और अमेरिकी प्लेटफॉर्म साइबर कैश आज की डेट में आपने Paytm, टी Airtel मोबी क्विक एयरटेल मनी गूगल पे ये इन सब के बारे में सुना होगा इनका प्रयोग करते हैं रोज़ करते हैं भीम यू ये जो है आ, ये अलग अलग तरह के वॉलेट्स हैं और ये वॉलेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सबसे पहले जो थे उनमें से एक है क्योंकि सबसे पहले थे तो उनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आ, जो 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 आज के वॉलेट्स में हैं वो इसमें नहीं है बट जो ओरिजिनल आर्किटेक्चर है वो वही है इसलिए मैंने इसका चयन किया समझाने के लिए कि ये जो वॉलेट्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं उपयोगकर्ता को पंजीकरण करना होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना एक अकाउंट बनाना होता है वॉलेट आईडी बनानी होती है फिर भुगतान के रूप में वॉलेट आईडी से आप एक या एक से अधिक आ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को उसमें जोड़ सकते हैं संलग्न कर सकते हैं आ, जो व्यापारी है जो बिजनेस है वो बैंक जो भी बैंक है उसमें खाता खोल लेता है और ऐसी प्रणाली है जिससे इंटरनेट आ, पर, पर आ, के थ्रू खरीद फरोत में आसानी होती है आ, ये जो भी बैंक है ये व्यापारी जो जिसने भी साइबर कैश का आ, लाइसेंस ले रखा है वो व्यापारी को एक आ, साइबर कैश मर्चेंट पेमेंट सॉफ्टवेयर साइबर कैश मर्चेंट पेमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि एस एम स्थापित करने के कहता है और यह स्थापित कर लिया तो ग्राहक के साइबर कैश वॉलेट और साइबर कैश कंपनी के सर्वर के बीच में तालमेल हो जाता है संचार सक्षम हो जाता है तो यह कस्टमर आया कस्टमर आया मर्चेंट के पास ऑनलाइन है यह मर्चेंट मर्चेंट ने उसको जो है एस एम पी एस के माध्यम से साइबर कैश के पास भेजा साइबर कैश के माध्यम से ये पहुंच गया जो है मर्चेंट के बैंक में और ये फाइनली जो है कस्टमर से मर्चेंट से साइबर एसएमपीएस के थ्रू साइबर कैश से मर्चेंट के बैंक में पहुंच गया जो भी पैसा आया अब मर्चेंट चाहे तो इसको अपने बैंक में पड़ा रहने दे चाहे इसको इस पैसे को अपने किसी सप्लायर को भेज दे मर्चेंट चाहे तो सप्लायर को भेज दे। इस तरह से ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होता है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स है आ, आपकी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास हो रही होगी उसमें भी आपको बताया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये पूरा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक संविदा है आ, हम हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को संविदा विधि कहते हैं सो uh, so, ये जो ग्राहक जो है साइबर कैश का जो पेमेंट सिस्टम को क्लिक कर देता है और व्यापारी की वेबसाइट से खरीद uh, की आवश्यकता को इंगित कर देता है व्यापारी का सॉफ्टवेयर एक चालान के साथ uh, uh, जो इनवाइस के साथ चालान का मतलब इनवॉइस बिल के साथ खरीदार को वॉलेट में पहुँच जाता है और खरीदार को फिर भुगतान करना होता है तो मित्रों ऐसे तो साइबर कैश किस तरह से चलता है बाकी वॉलेट्स किस तरह से चलते हैं आप लोगों ने सबने शायद वॉलेट्स का प्रयोग किया होगा बट उसके पीछे क्या आर्किटेक्चर है क्या इंटरनेट का उपयोग है क्या सुरक्षा फीचर है वो शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो वो बताने का यहाँ पे हमारा प्रयास था आ, अब जो है हम बात करेंगे ये जो एक बहुत अनूठी जो पहल है आ, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस मित्रों हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आ, जो ये देखिए ये क्रेडिट कार्ड जो है डेबिट कार्ड की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया इसलिए लोगों का रुझान जो है क्रेडिट कार्ड की तरफ बढ़ने लगा डेबिट कार्ड के कंपैरिजन में ऐसा क्यों हुआ और उसका एक बहुत प्रमुख कारण सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ये एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया इसमें बड़ी बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड वीज़ा और मास्टर कार्ड के कुल मिला के जो है पचास परसेंट साठ परसेंट से अधिक आ, ग्राहक हैं विश्व भर में जो भी जितनी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है उनमें से पचास साठ परसेंट इन दोनों के ही हैं तो इन दोनों कंपनियों ने सेट प्रोटोकॉल को डेवलप करने के लिए पूरी जो है समर्थन दिया और भी अन्य क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ जैसे कि जे है इनके अमेरिका में काफी प्रचलन है इन्होंने भी जो है समर्थन किया आ, सेट प्रोटोकॉल को डेवलप करने के लिए ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए टेक्निक्स टेक्निक्स हैशिंग टेकनीक्स, हैश का मतलब ये होता है तो इस तरह से कर दिया कि वो आप उसको अगर आपने उसको आप तक वो संदेश पहुंच भी गया तो आप इसको पढ़ नहीं सकते आप इस तक पहुंच नहीं सकते आ, मसलन, आ, आप और आपके मित्र कनाडा भाषा में चर्चा कर रहे हैं मेरे कानों तक पहुंच भी गई वो पर मैं उसमें समझ नहीं पाऊंगा कि आप क्या बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे कनाडा भाषा का ज्ञान नहीं है मुझे केवल अंग्रेजी हिंदी मराठी आती है तो मैं जो है आ, समझ नहीं पाऊंगा अगर मैं किसी तरह तक मेरे कान तक वो बात पहुंच भी गई सिमिलरली ये आ, अगर वही वाली बात है कि अगर मुझे कनाडा की लिपि पढ़नी नहीं आती मेरे सामने जो है वो कागज़ आ भी गया तो मैं तो मुझे तो वो जो है बस जलेबी जैसा ही दिखाई देगा जो लिपि है मैं किसी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बट मैं जो है बस यही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लिपि पढ़नी नहीं आती आ, आ, सेट एक प्रणाली नहीं है सेट एक तंत्र है सेट एक मैकेनिज़म है तो जब मैं तंत्र कहता हूँ तो एक मैकेनिज़्म है एक प्रोटोकॉल है जो क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वालों के लिए आ, सुरक्षा और अखंडता सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ये इंश्योर करता है सुनिश्चित करता है आ, सुरक्षा तो आप सभी समझते हैं इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि उसको बीच में उसमें कुछ चेंजेस ले आए आ, जैसे ये मोबाइल फोन है इसको खोल के इसमें कुछ डेटा में परिवर्तन कर दिया मॉडिफिकेशन कर दिया तो इसका मतलब है इसकी अखंडता को नुकसान पहुँचाया तो ये कोई प्रणाली नहीं है ये एक मैकेनिज्म है प्रोटोकॉल है ऑनलाइन भुगतान को सक्षम सदृढ़ बनाता है ये एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है और सभी तरह के इंटरनेट भुगतानों पर लागू किया जा सकता है मित्रों ये चलता कैसे है माइक्रोसॉफ्ट uh, कंपनी ने सेट के विकास में ये बता रहा हूँ कि देखिए दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियाँ हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रेडिट uh, कार्ड के क्षेत्र में आपने देख लिया दो प्रमुख नाम तीन प्रमुख नाम मैंने आपको बताए uh, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट uh, और एक और बहुत बड़ी कंपनी है नेटस्केप आपने कभी जो है इनका एंटीवायरस यूज़ किया होगा आपने इनका वेब ब्राउज़र यूज़ किया होगा नेटस्केप नेविगेटर के नाम से जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है माइक्रोसॉफ्ट uh, और नेटस्केप ने विकास के लिए uh, इस इस सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल के विकास के लिए अलग अलग तरीके अलग अलग मदद की माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एस टी टी टेक्नोलॉजी यानी कि सिक्योर ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी प्रदान की और नेटस्केप ने अपनी जो है सिक्योर सॉकेट लेयर एस एस एल टेक्नोलॉजी प्रदान की इसलिए जो है ये व्यापारियों के क्रेडिट कार्ड का विवरण का खुलासा करने से रोकता व्यापारी को पता ही नहीं चलता तो आपका मान लीजिए क्रेडिट कार्ड नंबर है ये कहीं पे सोलह अंकों का होगा कहीं पे पंद्रह अंकों का होगा मसलन वीजा के सोलह अंकों का नंबर होते हैं क्रेडिट कार्ड के और आ, जो है आ, 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 अमेरिकन एक्सप्रेस के पंद्रह अंकों के होते हैं तो जहां पे सोलह अंकों का होगा उसको पता ही नहीं चलेगा क्रेडिट कार्ड नंबर जो व्यापारी है जो मर्चेंट है जो बिजनेसमैन है जिसके पास जैसे अमेजोन है मान लीजिए उसको बस ये दिख रहा है और अगर वो अमेरिकन एक्सप्रेस है तो उसको बस इतना दिख रहा है इतना दिख रहा है मान लीजिए तेरह अंकों का है तो उसको केवल यहाँ के पांच दिख रहे हैं सो so, उसको जब पूरा नंबर दिखेगा ही नहीं जैसे मैंने कल आपको बात की थी आधार, आ, मास्ट, आधार वाली। ये मास्ट क्रेडिट कार्ड नंबर है मित्रों तो जब उसको पता ही नहीं होगा तो वो या कोई और चोर जो रास्ते में है वो उसका गलत प्रयोग कर ही नहीं सकता आ, तो सेट प्रोको प्रोटोकॉल में क्रेडिट कार्ड विवरण का खुलासा होता ही नहीं है तो हैकर और चोर को हम दूर रख सकते हैं उनके प्रयासों को हम विफल कर सकते हैं एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है एक्स ये कंप्यूटर साइंस की क्लास तो है नहीं नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको उसमें बता देता आ, ये जो है एक स्टैंडर्ड डिजिटल सर्टिफिकेट है बहुत उच्च कोटि का माना जाता है एक्स सर्टिफिकेट आप कभी भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है व्यू सर्टिफिकेट तो उसका सर्टिफिकेट अवश्य देखें कि वो किस प्रोटोकॉल का है तो ये सबसे उच्च कोटि के सर्टिफिकेट्स में एक माना जाता है यह एक और उच्च कोटि का सर्टिफिकेट है और इसको देता कौन है ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज देती हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज कौन होती हैं जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वेबसाइट को जिस तरह की वो क्वालिटी है आ, इनको सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करता है एक व्यक्ति जो एक सरकारी कर्मचारी होता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हमारे सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ का एक पद सृजित है और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ पूरे देश में सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ को लाइसेंस करता है और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ वेबसाइट्स को आ, लाइसेंस करती है लाइसेंस so, से एक आपको पता चल जाता है कि ये किस लेवल का किस मानक का है जैसे हम सबको पता है कि आई का एक स्तर होता है आ, बाकी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक स्तर होता है आ, बाकी नैक की ग्रेडिंग होती है ए प्लस प्लस इंस्टीट्यूट होता है ए प्लस होता, होता है इस तरह से वैसे जो मानक है आई एस एक मानक है वैसे ही ये वेबसाइट की सिक्योरिटी का मानक है जनाब ये फिर जो है जो 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 इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है कौन कौन प्रतिभागी हैं इसमें सिस्टम में एक तो कार्ड धारक आपके और मेरे जैसे व्यक्ति जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जो कार्ड जारी करता है बैंक हो सकता है या कोई वित्तीय संस्थान हो सकता है जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापारी जैसे कि अमेजॉन या टाइटन या नली साड़ी अधिग्रहणकर्ता यानी कि व्यापारी का बैंक मर्चेंट का बैंक एमेजोन का बैंक हो सकता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो और प्रमाणन अधिकारी यानी कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है इनके जो है ये ये सारे यहाँ पे प्रतिभागी हैं प्लेयर्स हैं सिस्टम में जो 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 प्रमाणन अधिकारी है ये कुछ मानकों का इनको पालन करवाता है और ये इस तरह का x.509 v3 या x.509 प्रमाण पत्र इनको जारी होता है वेबसाइट्स को अगर ये सारे मानकों को पूरा करती है मित्रों हमने थोड़ा सेट के विषय में पढ़ा सेट कार्य कैसे करता है सेट का काम है प्रमाण करना ऑथेंटिकेट करना सर्टिफाई करना ग्राहक के मन में ये संतुष्ट होना चाहिए कि हां जो मैं कर रहा हूं यह सेफ है आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या होता है अगर बच्चा छोटा है मेरा बच्चा चार घंटे छह घंटे सात घंटे सेफ रहना चाहिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या होता है मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा ये खाना सड़ा हुआ तो नहीं है सेफ होना चाहिए तो ये वैसे ही आप जो है इंटरनेट पर ट्रांजेक्शन करते हैं आपके दिमाग में क्या होता है मेरा पैसा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा मेरा पैसा सेफ रहेगा मेरी सेफ्टी रहेगी मेरी निजी जानकारी सेफ रहेगी कि नहीं तो ये दो तरह से काम करता है व्यापारी का प्रमाणीकरण चोरी को रोकने के लिए जो सेट है ये व्यापारियों और वित्तीय संस्थानों के जो पुराने संबंध हैं बैंक और व्यापारी के संबंध हैं उसकी जांच करने करता है और ये जो प्रमाण पत्र की हमने बात की ये इसी उद्देश्य से इशू किया जाता है कि जो व्यापारी है और जो बैंक है उनकी हमने संबंधों की जांच कर ली है और हमें सब कुछ ठीक लगा और दूसरी तरफ जो कार्ड होल्डर है उसका ऑथेंटिकेशन किया जाता है कि कार्ड का उपयोग कई अधिकृत व्यक्ति कर रहा है कि कोई और कर रहा है मान लीजिए मेरे एक मित्र हैं उनके पास मेरा क्रेडिट कार्ड पहुंच जाता है अब उनके पास मेरा क्रेडिट कार्ड पहुंच जाता है तो सेट ये चेक करेगा कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में उचित व्यक्ति है या नहीं आप पूछेंगे सर कैसे हो सकता है ये ये ऐसे होता है कि वो कुछ उसके सिस्टम में कुछ प्रोग्रामिंग होती है कि अच्छा ये बहुत हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है मैं तीन चार महीने में एक बार पाँच हज़ार रुपये की शॉपिंग करता हूँ यहाँ पे सडनली सवा दो लाख रुपए की शॉपिंग हो रही है या एक ही दिन में पच्चीस बार दस दस हजार रुपए की शॉपिंग हो गई या मैं बैठ के दिल्ली में शॉपिंग करता हूँ और ये देखा जा रहा है कि तमिलनाडु में शॉपिंग हो रही है या कानपुर में शॉपिंग हो रही है तो सेट इन सब फैक्टर्स को अकाउंट में लेता है और उसकी ऑटोमेटिकली जाँच हो जाती है अगेन ये सब चीज़ें सिस्टम में बिल्टिन है इसलिए इसको ये इस तरह का प्रमाण पत्र मिलता है मित्रों मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है जो मेन रीज़न है सेट का वो ये है ऑथेंटिकेशन दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंशालिटी मेंटेन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि आ, अगर अनपेक्षित रूप से किसी व्यक्ति के हाथ वो लग भी जाता है जो मैसेज है जो संदेश है जो आपने अपने बैंक को भेजा ये देखिए इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है आपने अपने बैंक को भेजा मर्चेंट को भेजा मर्चेंट ने साइबर कैश को भेजा इस तरह का जो तर, ये पूरी जो चेन है आ, इस, इसको जो है अगर किसी व्यक्ति को इस चेन में वो घुस भी गया किसी स्टेज पर तो वो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जैसी तकनीक का प्रयोग करके वो गोपनीयता को मेंटेन मेंटेन करता करता है को करता है को संदेश या मैसेज की जो अखंडता है इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके ये डिजिटल सिग्नेचर है मैंने आपको पहले अपने हस्ताक्षर करके बताए अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करके ये एक बहुत पुरानी और अच्छी तकनीक है डिजिटल सिग्नेचर की आर एस ए रिवेस शमीर एडलमन कहते हैं अगर कभी आपको मन करे तो इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा आ, मैं यहाँ पे बात करता अवश्य बट फिर आपको लगता कि ये कंप्यूटर साइंस का लेक्चर हो गया आ, साइबर लॉ का तो लेक्चर रहा ही नहीं है साइबर क्राइम का तो लेक्चर रहा ही नहीं आ, ये एक तकनीक है एस एच इसके साथ प्रयोग करके डिजिटल सिग्नेचर से आपकी जो है अखंडता को सुरक्षित रखता है Uh, मित्रों आपने भी डिजिटल सिग्नेचर कभी ना कभी प्रयोग में किया होगा इनकम टैक्स अपना जब आप फाइल करते हैं तब uh, जब आप जो है uh, बहुत सारे सिस्टम्स में आजकल मैंडेटरी हो गया मैंने जानबूझ के इनकम टैक्स का एग्जाम्पल लिया क्योंकि uh, हम में से कई लोग इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं uh, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब हम छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम साइन करके नहीं देते वो डिजिटल सिग्नेचर से ही हमारी छुट्टी अप्लाई होती है uh, किसी भी तरह की छुट्टी हो uh, ड्यूअल सिग्नेचर का मैकेनिज्म है सेट में ये अवधारणा बना ली है कि दो अलग अलग रिसीवरों के लिए दो अलग अलग सूचना हमें चाहिए किसको बैंक को चाहिए पेमेंट की इंफॉर्मेशन और आपको चाहिए ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन व्यापारी को तो ये दोनों सिस्टम हमने बना लिए और दोनों को हम सिग्नेचर के साथ क्रॉस चेक करते हैं सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर तो ये तीन चार तरीके हैं ये जो मैंने बोला एक प्रमाणीकरण की बात हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्फिडेंशैलिटी की बात हो गई एक इंटेग्रिटी की बात हो गई और एक ड्यूअल सिग्नेचर की बात हो गई तो ये चार मेन चीज़ें हैं जो सेट की कार्यशैली कार्य क्षमता फंक्शनैलिटीज़ है सो दीज आर दंक्शनैलिटीज़ ऑफ दी सेट सिस्टम ओके okay. देखिए कुछ नयापन जब तक नहीं होगा तब तक जो है नवाचार नहीं होगा इन्वेंशन नहीं होंगे तब तक जो है आ, दुनिया बड़ी वहीं की वहीं रहेगी आ, अगर आ, आपसे पहले वालों ने सोचा होगा कि इन्वेंशन नहीं करेंगे तो आज शायद हम लोग अभी भी साइकिल ही चला रहे होते साइकिल बहुत अच्छी चीज़ है फिट रहने के लिए पर जो है अब साइकिल से हम एरोप्लेन तक पहुंच गए हैं सोलर कार तक पहुंच गए हैं नवाचार ही है ये सब जो हो रहा है क्रेडिट uh, कार्ड के जोखिम को जो उसका सिक्योरिटी uh, है uh, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो रिस्क इन्वॉल्व है जोखिम मतलब रिस्क इन्वाल्व है उसको कम करने के लिए आ, बहुत सारे तकनीक आती रहती हैं सेट एक उनमें से थी एक और ऐसी तकनीक है जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया ये भी अमेरिका से ही आ रही है इसको हम कहते हैं पे आ, ये एक मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी का या किसी अन्य कंपनी का बट क्योंकि ये सबसे पहले ऐसे प्लेयर्स थे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जैसा इन्होंने बना दिया ग्राहक को एक क्रेडिट कार्ड नंबर जैसा ही एक ऑरी पे नंबर मिलता है जिससे वो आ, जो आ, वो वो, वो सिंगल यूज के लिए होता है चाहे तो सिंगल यूज चाहे तो मल्टीपल यूज और सिंगल यूज के लिए लिया तो सिंगल यूज के बाद निष्क्रिय कर दिया जाता है डीएक्टिवेट कर दिया जाता है कोई भी व्यक्ति जो अनाधिकृत है वो इस नंबर को यदि प्राप्त करने में सक्षम भी हो जाता है प्राप्त भी कर लेता है तो उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि पे जो है ऑथराइजेशन उसका देगा ही नहीं इनकार कर देगा आ, ग्राहक अपने वेब ब्राउजर पे क्लिक करेगा तो पे नंबर प्राप्त कर लेगा मित्रों आपको कभी ना कभी कोई वाउचर मिला होगा आपने जोमैटो से खाना मंगाया और जोमैटो का जो व्यक्ति था डिलीवरी करने वाला वो 20 मिनट लेट हो गया आपको एक वाउचर मिलेगा कि जो आप अगली बार खरीदेंगे उसमें आपको सौ रुपये कम मिलेंगे कभी ऐसा हुआ है ना आपने वो वाउचर का प्रयोग कर लिया बट आपको वाउचर नंबर याद है और आपने लिखा हुआ है अब आप अगली बार जब उसको फिर दूसरी बार प्रयोग करना चाहेंगे उसी वाउचर नंबर का क्या कर पाएंगे वो बोलेगा आई एम सॉरी दिस वाउचर हैज बीन एक्सपायर्ड ऑलरेडी यूज्ड ऑलरेडी यूज और यदि उसकी डेट निकल गई है कि वो तीन दिन का या एक हफ्ते में ही प्रयोग करना था वो डेट निकल गई तो वो बोलेगा एक्सपायर्ड ऐसा ही कुछ होता है जब आपके पास ऑरीपे नंबर मेरा आ गया बट वो एक बार मैंने उसको यूज कर लिया एक बार यूज कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज कर ही नहीं सकते आ, ये तकनीक जो है अपनी राशि को आप सुरक्षित रख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट आपने शॉपिंग की आपने डायरेक्टली जो है आ, पे नंबर के माध्यम से पे कर दिया और पे को आपने अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड खाते से पेमेंट कर दिया आ, इससे आप अपनी क्या खर्च सीमा है ख़रीद पैटर्न है कि आपको लेडीज़ गारमेंट्स ख़रीदने हैं कि मैंगो ख़रीदने हैं क्या आपके बारे में जानकारी है किस व्यापारी को आप करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अनुकूलित बना सकते हैं और समय समय पर ये आप चेंज भी कर सकते हैं ये जितने भी मापदंड हैं 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 आपके आपके खरीद खरीद पैटर्न आपकी खरीद की जो लिमिट्स हैं, आपकी जानकारी आपके किन व्यापारियों के पास जाते हैं, किस तरह के व्यापारियों के 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 पास पास जाते जाते किस तरह हैं जैसे मान लीजिए मैं केवल टाई खरीदने के लिए जाता हूँ या केवल आ, मैं कुत्तों की दवाया खरीदने के लिए जाता हूँ क्योंकि मुझे कुत्तों का शौक है किस तरह के व्यापारियों पे मैं खर्च करता हूँ मैं केवल कानपुर के ही व्यापारियों खरीदता हूँ क्योंकि मुझे लेदर का शौक है तो इस तरह के आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं तो अगर आ, कोई चोर पहुंच भी जाता है तो वो ज्यादा आपका नुकसान कर ही नहीं सकता क्योंकि आपको आपको को, उपयोगकर्ता को कोई भी हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं है और, ये किसका और आ, फायदा देखा गया है अब हमारे यहाँ भी ऑर पे जैसे सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं वर्चुअल प्रणाली आम होती है जा रही है मित्रों मैंने बात की थी आपसे भारतीय प्रवेश करता देखिए दुनिया में अब कोई भी ऐसा क्षेत्र है नहीं जिसमें भारत का जो है प्रतिनिधित्व नहीं है इनफैक्ट विगत दिनों में कुछ बहुत पावरफुल जो विश्व के देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री इत्यादि भारत आए हैं यात्रा पे मसलन अभी कुछ दिनों पूर्व जापान इटली और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया आए हैं और इन तीनों व्यक्तियों ने एक बात बोली जिसका मैं जो है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में हमेशा बिलीव करता हूँ इन तीनों व्यक्तियों ने कहा कि आपने जिस तरह का काम यू में किया है आपने जिस तरह का काम जो है बाकी चीज़ों में किया है ये पेमेंट इंटरफेस में किया है ये अद्भुत है ऐसा हम नहीं कर पाए हैं और हम आपसे टेक्नोलॉजी के एरिया में इतने साल पहले इतने आगे रहे हैं तो ये एक बहुत ही अद्भुत चीज है मसलन आपको जो है ये जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं पेमेंट सिस्टम्स हैं इनके लिए आपको फोर जी इंटरनेट की आवश्यकता होती है अब भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे गांव हैं रिमोट एरियाज़ हैं पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे साल में आठ महीने सात महीने सड़क ही नहीं होती है क्योंकि जो है बर्फ़ पड़ी हुई है आप लाहौल स्मिति जनजातीय डिस्ट्रिक्ट का स्मरण कीजिए हिमाचल में आप गढ़वाल के गाँव का स्मरण कीजिए उत्तराखंड में तो वहाँ पे टू इंटरनेट के माध्यम से हमने यू पी लाइट पहुँचा दिया है इस तरह के हमने पेमेंट गेटवे बना दिए हैं ये 2G इंटरनेट पे भी चलेगा अब 2G पे तो मैं समझता था और कुछ नहीं चलता केवल सो so, मित्रों जब इस तरह की बात हम सुनते हैं हमें तो पर्सनली बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होते हैं कि जो विश्व के ऐसे राज्य ऐसे देश जो हमसे बहुत आगे रहे हैं इन सब टेक्नोलॉजी तकनीकों में वो आके कहते हैं कि आपने अद्भुत विश्वसनीय कार्य किया है मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगा वो था ये हम टू के माध्यम हम से हमने जो यू लाइट बना दिया मित्रो ये जितने भी ई कॉमर्स के या बाकी चीजें हैं ये सब 4G जी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं अब आप स्मरण कीजिए लाहौल स्पीति जैसे जनजातीय डिस्ट्रिक्ट का जो हिमाचल में स्थित है जहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि साल के सात आठ महीनों में संपर्क ही नहीं हो पाता है आप 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 स्मरण कीजिए गढ़वाल के हिमालय के क्षेत्र का उत्तराखंड में जो पौड़ी गढ़वाल या लैंड से आगे जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ पर जो है जो 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 जोग्राफिकल जो, 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 जो जो हैं वो डिफ़िकल्ट है तो फोर इंटरनेट नहीं हो पाता है अक्सर तो टू पे तो मैं समझता था व्हाट्सएप के अलावा वो भी व्हाट्सएप टेक्स्ट नॉट ये जो इमेजेस वगैरह नहीं जाएंगी व्हाट्सएप ही चल सकता है टू जी पे और कुछ नहीं बट देखिए हमारे देश ने जो है यू पी आई लाइट बना दिया और ये जो यू पी आई के ट्रांजेक्शन हैं दो हजार रुपये तक की सीमा के ये इस पे भी चल जाते हैं टू जी के माध्यम से देखिए कितनी अद्भुत सी चीज़ बना दी तो भारतीय जो प्रवेश करता है ये जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज़ पेमेंट टेक्निक्स में ये बहुत आगे आए हैं आ, पिछले दो दशकों में एस बी आई आई सी आई सी आई पेटीएम रेजर पे फ़ोनपे सत्यम जैसी कंपनियों ने सुरक्षित पेमेंट गेटवे भुगतान गेटवे बनाए हैं और ये इस तरह की सर्विस प्रदत्त करना शुरू की है ऐसा नहीं है कि अब हमें जो है केवल आ, विदेशी गेटवेज का ही सहारा लेना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अम um... आ, कि विदेशी पेमेंट गेटवे पे लोगों का भरोसा कम होगा मैं भी हमेशा किसी भारतीय व्यक्ति पे अवश्य अधिक भरोसा करूँगा मसलन किसी विदेशी का ये तो स्वाभाविक सी बात है मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अधिक गलत है आ, ये जो नवाचार के लिए बहुत अधिक इसमें अभी भी स्कोप है आ, सुविधा और सुरक्षा अखंडता मैसेजेस की जो 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 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये गेटवे इसमें लगातार सुधार कर रहे हैं और आगे और आने वाले वर्षों में सुधार होने वाला है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई तरह के हम नवाचार की उम्मीद कर सकते हैं आ, नवाचार महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण है कि जो, आ, ना सुरक्षित महसूस करना चाहिए उनको भी सुरक्षित महसूस करना बहुत आवश्यक है मैंने जो आपसे बात की थी एस कोमार्स और विजय सेल्स जैसी जो कंपनियां हैं ये देश में एक हाइब्रिड मॉडल लेके आ रही हैं जो 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 ई कॉमर्स की आपको सुविधा मिलती है और जो आप जिस चीज़ से यूज़ टू हैं वो आप वहाँ से जाके पेमेंट कर सकते हैं मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा ऑनलाइन और आपको पेमेंट की सुविधा मिल जाती है जाके उनका स्टोर है आपके पास इसके विपरीत एक टच एंड फील स्टोर है इसका कंसेप्ट आया है आप खरीदना चाहते हैं बट आपको पता नहीं कि ये जो है आ, असल में कैसा होगा तो वो आपको जाके स्टोर में आप असल में फर्नीचर टीवी जो भी प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं और उसका भुगतान इंटरनेट पे कर सकते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से सो तो ये कुछ ये आ, ये ये जो दोनों मॉडल हैं इनका स्कोप है आगे वाले दिनों में हाइब्रिड मॉडल्स का स्पेशली टेयर टू टेयर थ्री सिटीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एस कुमार्स को विजय सेल्स को के जैसी अन्य कंपनी है फर्नीचर कंपनी है एक नई अभी फर्नीचर कंपनी आई है उन्होंने ये शुरू किया है वुडन स्टोर के नाम से ये उदयपुर राजस्थान में इनकी फैक्ट्री है और ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने अपने जो है लुक एंड फील स्टोर खोल दिए हैं टच एंड फील स्टोर खोल दिए हैं और इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करते हैं हर प्रमुख नॉर्थ इंडियन सिटी में इनका टच एंड फील स्टोर खुल चुका है आ, कई भारतीय इंटरनेट उपभोक्ता अभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जानकारी इंटरनेट पर साझा नहीं करना चाहते और ये ठीक भी है तो जिस भी भुगतान विधि पेमेंट के तरीके से वो कंफर्टेबल हों उनको उससे करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि बिजनेस का तो कांसेप्ट ही ये होता है कि जिस जो व्यक्ति जिस तरह से पेमेंट कर सके उसको वो पेमेंट ऑप्शन देना चाहिए तभी आपका बिजनेस फैलेगा फूलेगा और आगे जाएगा मित्रों जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए जो कानूनी ढांचा है उसमें जो है दो प्रमुख जो आ, आ, जो प्रमुख हम कहें प्लेन्स हैं आ, जो एक तो है आपको देखना है कि क्रेडिट कार्ड परिचालन का क्या रेगुलेशन है किसको क्रेडिट कार्ड कितना क्रेडिट दिया जा सकता है किस ग्राहक को कितना क्रेडिट दिया जा सकता है किस ग्राहक के पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए तो ये सब का ध्यान तो जो क्रेडिट स्कोर वाली कंपनीज हैं वो रखती हैं अब तो आपने देखा होगा केयर क्रिसिल जैसी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे या कार लोन होम लोन कुछ भी तो आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा यदि आपका क्रेडिट स्कोर 790 780 आउट ऑफ 900 से कम होगा तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी या आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा अपना समय समय पर क्रेडिट कार्ड स्कोर अवश्य चेक करें आ, आ, हर दो तीन महीने में फिर दूसरा पहलू जो है वो आ, जो 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 भी क्रेडिट कार्ड लेने आ रहा है व्यक्ति उसको ये पता होना चाहिए कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है किस तरह के पेमेंट सिस्टम्स हैं क्या बिल कितनी समय समय पे आएगा इस तरह की चीज़ें तो ये दोनों कानूनी पहलू हैं जो पता होने चाहिए जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का जब हम उपयोग करते हैं आ, मित्रों जो जो क्रेडिट कार्ड पे जो लेन देन है या या जो डेबिट कार्ड पे जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है अनाधिकृत लेन देन को, को हमें प्रिवेंट करना है और अगर कोई मिसहैप हो गया अगर कोई अनाधिकृत ट्रांजैक्शन हो गया तो उस पर कौन किसकी जिम्मेदारी तय होनी है ये बड़ा आवश्यक है या तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए जिसकी गलती से जिस भी पार्टी की गलती से नुकसान हुआ उसको अनाधिकृत लेन के मामले में ग्राहक का नुकसान नहीं होना चाहिए फर्स्ट वर्चुअल की हमने बात की ऐसी कंपनियां जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अनुबंध के द्वारा सभी लेनदेन का जोखिम पूरे तरह से व्यापारी मर्चेंट बिजनेस पे डाल देती हैं अनुबंध के द्वारा ये तय होता है कि लायबिलिटी किसकी होगी मित्रों हमें जो है ग्राहक के इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है जब भी कोई ग्राहक इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन करने जाता है उसको ये पता होना चाहिए उसको ये बात की जानकारी होनी चाहिए आ, कि क्या क्या प्रणालियां हैं क्या सिस्टम्स हैं सिक्योरिटी के आ, क्या तरीके हैं और उसके पश्चात जो है ग्राहक अपना मन बनाए आ, और जो है क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शंस करे ऑनलाइन लेन देन का जो पूरा मुद्दा है ये प्रौद्योगिकी का मुद्दा भी है और अब जो है लॉ का कानून का मुद्दा भी हो गया है कई बार ऐसा लगता है कि ये कानून का मुद्दा ना होकर केवल प्रौद्योगिकी का मुद्दा है बट ऐसा नहीं है इसमें कानून प्रौद्योगिकी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका आपस में परस्पर इंटरेक्शन है अनाधिकृत लेन देन के मामले में उपभोक्ता की जो देयता है जो लाइबिलिटी है जैसे प्रश्नों का उत्तर अभी स्पष्ट कई बार नहीं होता है इसका उत्तर हमें ढूंढना होगा आ, कार्ड होल्डर अग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए आ, ये, ये जो आउटलुक है इसको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि ज़ूरिस्टिक्शन अलग होने से कार्ड कंपनी अलग होने से ये जो प्रथा हैं ये भी भिन्न हो जाती हैं मसलन अमेरिकन एक्सप्रेस का जो रवैया अमेरिका में होता है जो ब्रिटेन में होता है वो रवैया भारत में नहीं है आ, भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस का रवैया कुछ है बट यूनियन बैंक का रवैया कुछ और है तो इसको स्टैंडर्डाइज़ करने की आवश्यकता है ताकि सभी चीज़ें सेम प्लेन पर आ जाए आमतौर पर अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐसे मुद्दों को सुलझा लिया जाता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अनुबंध में एक पार्टी हमेशा स्ट्रांग होगी और एक पार्टी कमज़ोर होगी तो इसलिए जो बार्गेनिंग पावर है सौदेबाजी की जो क्षमता है उसका अनुचित उपयोग नहीं होना चाहिए किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा या किसी बैंक द्वारा ग्राहक का इंटरेस्ट हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए यदि कोई ऐसे इन पहलुओं से निपटने के लिए हम कोई कानून बना रहे हैं तो हमें ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि कार्ड जारी करने वाला व्यक्ति कार्ड जारी करने वाला बैंक कार्ड जारी करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको जो है अपनी भुगतान प्रणाली सिस्टम्स सिक्योरिटी दुरुपयोग की संभावना अनाधिकृत लेन देन के मामले में किसकी देहता होगी इन सब पहलुओं पे आ, कस्टमर के साथ खुले रूप से चर्चा करनी चाहिए खुलासा करना चाहिए बताना चाहिए और दायित्व हमेशा अगर कोई दुरुपयोग का मामला हुआ है तो दायित्व हमेशा उस पार्टी का होना चाहिए जिसके कारण दुरुपयोग संभव हुआ जिसकी गलती हुई भले वो कस्टमर हो जिसकी गलती से ये दुरुपयोग हुआ भले वो कार्ड कंपनी हो भले वो मर्चेंट हो उसी व्यक्ति पे दूसरे व्यक्ति को किसी और की गलती के कारण भुगतना नहीं चाहिए भविष्य में शायद सरकारों के लिए विभिन्न भुगतान प्रणालियों के बीच में चयन करने का भी नौबत आ जाए क्योंकि जिस तरह से इंटरनेट और ई कॉमर्स बढ़ रहा है ऐसा भी हो सकता है ऐसी स्थिति में ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कानून विकसित करना चाहिए ग्राहक हित को सर्वोपरि रखते हुए उस पेमेंट प्रणाली को चुनना चाहिए जिसमें ग्राहक का हित सर्वोपरि हो जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स सबसे बेहतर हो तो मित्रों ये तो हमारी बात हो गई आज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो इकोसिस्टम है इंटरनेट पे उसकी आ, जल्दी हम आपके समक्ष फिर आएंगे लेक्चर नंबर सिक्स लेके जिसमें हम इंक्रिप्शन और नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे आशा करते हैं आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा आपसे दोबारा मिलने का हम आतुर हैं बहुत बहुत धन्यवाद